अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। नमस्कार, आज का हमारा वीडियो है रेबीज पार्ट 4। इसमें मैं क्या कवर अप करूंगी कि रेबीज जब हम कहते हैं कि अगर आपको कुत्ते ने काटा है तो उस कुत्ते को या बिल्ली को ऑब्जर्व कीजिए, यानी उसका अवलोकन कीजिए या उसमें थोड़ी टिप्पणी कीजिए कि उसको रेबीज हुआ या नहीं। अभी मुझे पता है कि रेबीज हुए हुए ये जानवर कैसे बिहेव करेंगे, कॉमन मैन ले मैन या फिर आप लोगों को जो डॉक्टर नहीं है उनको कैसे पता चलेगा कि रेबीज हुए हुए जानवर मुझको कैसे पता चलेंगे। तो इसके बारे में मुझे बताना है आपको कि साइंस एंड सिम्टम्स की क्या टिप्पणी करनी है, क्या अवलोकन करना है इन जानवरों में। अभी ये जो अवलोकन है ये पहले 10 दिन में करना है, यानी मुझे काटा आज तो आज से लेके 10 दिन में अवलोकन या टिप्पणी करनी है इन जानवरों में कि उसको रेबीज हुआ है नहीं। अभी ये जो अवलोकन है सिर्फ कुत्ते और बिल्ली इन दोनों एनिमल्स में ही करते हैं, बाकी के एनिमल्स ने आपको काटा या बाकी के जानवर ने आपको काटा तो रेबीज का वैक्सीनेशन लेना ही है, पूरा कोर्स लेना है। अभी जो कुत्ते और बिल्ली में अवलोकन 10 दिन के लिए क्यों करना है, क्योंकि ऐसे पाया गया है स्टडीज में ऐसे पाया गया है कि अगर मुझे काटे हुए कुत्ते में रेबीज के विषाणु है तो उसको रेबीज के लक्षण दिखाने के लिए 3 से 5 दिन लगते हैं और उसको रेबीज से मरने के लिए और आगे के 3 से 5 दिन लगते हैं, यानी कुल मिला के 10 दिन में वो कुत्ता रेबीज के लक्षण दिखा के उसको मृत होना है, यानी मर जाएगा मोस्टली 10 दिन के अंदर। ओके, तो इसलिए 10 दिन का ऑब्जर्वेशन पीरियड हम बोलते हैं। अब ये 10 दिन के अवलोकन में आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि वो जो कुत्ता है उसका बर्ताव कुछ अलग हो रहा है क्या, यानी आपको पता होगा कि आपके कुत्ते का नॉर्मल बिहेवियर क्या है या फिर इवन रस्ते के कुत्ते का नॉर्मल बिहेवियर जो है उसका कुछ बर्ताव अलग हो रहा है, वो ज्यादा आक्रामक हो रहा है क्या, अग्रेसिव ज्यादा आक्रामक हो रहा है या फिर ज्यादा उदास हो रहा है, बैठा बैठा ही दिखता है। दूसरा, वो बिना वजह के किसी के भी पीछे दौड़ रहा है, बिना वजह के कहीं भी दौड़ रहा है या बिना वजह से बगैर उकसाने के वो किसी को भी काटता जा रहा है क्या। तीसरा है कि वो बहुत ही सुस्त है क्या, एकदम बहुत ही सुस्त और एकदम से कोने में जाके बैठ रहा है क्या, जो नॉर्मल नहीं है कुत्ते में। तीसरा, उसके मुंह से ज्यादा थूक टपक रही है क्या। चौथा है कि उसका पांचवा है कि उसका आवाज कुछ चेंज हो रहा है क्या, उसकी जो आवाज है आ रही है बहुत ही ज्यादा आ रही है, जबरदस्त आ रही है या फिर बहुत ही कम हो रही है और रोने जैसी आवाजें कर रहा है। छठा है कि वो खाना पीना छोड़ रहा है या फिर अनचाही चीजें खा रहा है, जैसे मिट्टी खाना, पत्थर खाना, मेटल खाना, पेपर खाना, ऐसे कुछ कर रहा है क्या। या सातवा जो सबसे ही भयंकर हो सकता है कि वो मर गया है क्या इन 7 दिनों में। तो ये आपको अवलोकन करना है। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी चीज है कि आप जिसको भी कुत्ता काटे उनको समझाना है कि जिस कुत्ते ने आपको काटा है या जिस बिल्ली ने आपको काटा है प्लीज उसको मारिए मत या फिर उसका त्याग मत कीजिए या फिर उसको छोड़ दीजिए, कहीं दूर जाके छोड़ न दीजिए। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी किया तो आपको ऑब्जर्व करने को नहीं होगा, उसका अवलोकन करने को नहीं होगा और अगर उसको रेबीज हुआ हो तो फिर आपकी आगे की ट्रीटमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज नंबर 1। और दूसरा है कि इन चीजों में भी आपको एक इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि उस आपका वैक्सीनेशन अगर वो जो ऑब्जर्वेशन शुरू है, अवलोकन शुरू है, उस अवलोकन शुरू होता है के साथ साथ ही आपका वैक्सीनेशन भी कंप्लीट होना है। और वैक्सीनेशन क्या है उसके बारे में तो एनीवेज मैं अगले वीडियो में वीडियो करने वाली हूँ। ये याद रखना, रेबीज अगर हुआ तो 100% फेटल है, यानी 100% खतरनाक है। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।